शास्त्री नगर वार्ड 19 कैंप वन में अवैध कब्जे को हटाने कब्जेधारी के खिलाफ FIR करने BSP प्रबंधन को पत्र लिखने नगर निगम जोन 2 कार्यालय में निगम अधिकारियों सहित दो पक्षों की बैठक संपन्न हुई थी। 28 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई बैठक में निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी विशेष रूप से उपस्थित थे। बावजूद इसके अब तक निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाया न गया और न ही कब्जेधारी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। नगर निगम जोन 2 कार्यालय में बीते 28 अक्टूबर 2021 को नगर निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी, जोन आयुक्त पूजा पिल्ले की उपस्थिति में और वार्ड 19 शास्त्री नगर कैंप वन में निवासरत उमा पाटिल, नथुलाल पाटिल और दीपक साव, चंदन साव दोनों पक्षों की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें निगम उपायुक्त द्वारा कब्जाधारी नथुलाल पाटिल के विरुद्ध FIR दर्ज करने, अतिरिक्त तहसीलदार और BSP प्रबंधन को पत्र लिखने निर्देश दिए गए थे। लेकिन लगभग 3 महीना होने के बावजूद नथुलाल पाटिल के विरुद्ध जोन कार्यालय द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। नथुलाल पाटिल द्वारा सार्वजनिक नाली में किए गए कब्जे और रास्ते पर लगाए गए दरवाजे को हटाने निगम के जोन 2 कार्यालय द्वारा बीते 18 अगस्त को कार्रवाई की गई थी, लेकिन नथुलाल पाटिल द्वारा कार्रवाई होने के 3 से 4 दिनों के भीतर फिर से कार्रवाई किए गए स्थान पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी जानकारी चंदन साव, दीपक साव द्वारा निगम के जोन 2 कार्यालय को दी गई थी। जब से लेकर अभी तक निगम कार्यालय द्वारा नथुलाल पाटिल को केवल नोटिस ही दी जा रही है। फिर से किए गए अवैध निर्माण को हटाने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संदर्भ में नगर निगम जोन 2 कार्यालय की आयुक्त पूजा पिल्ले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, वो जो पट्टे के संबंध में वहाँ पे विवाद चल रहा है और अवैध निर्माण के संबंध में, एक बार निगम ने अवैध निर्माण हटा दिया था, उसके बाद जो भी नथुलाल पाटिल जी हैं उनके द्वारा पुनः निर्माण कर लिया गया था। तो इस संबंध में जो है पुलिस थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही पट्टे के संबंध में जो विवाद है उसके लिए BSP को लेटर लिखा गया है, ताकि वो जो उनके एम्प्लॉई है उनके पट्टे के संबंध में जानकारी हमको उपलब्ध करा सके, जिससे प्रकरण आगे बढ़ सके। मैडम, चूँकि बैठक हुए गए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो आप क्या लगता है कब तक कार्रवाई संभावित दिखती है? देखिए, उससे समय कार्रवाई जो है हमने चालू स्टार्ट कर दी थी, परंतु चूँकि अब निर्वाचन आ गया था इसलिए जो है कार्रवाई बीच में रुक गई थी, अब पुनः इसको फॉलोअप किया जा रहा है। बहरहाल, नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे को हटाने की गई कार्रवाई के बाद कब्जेधारी ने पुनः उसी स्थान पर कब्जा कर एक प्रकार से निगम की कार्रवाई को चुनौती दी है। देखना होगा अवैध कब्जे को हटाने निगम प्रशासन द्वारा कब तक कार्रवाई की जाती है या फिर अवैध कब्जेधारी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।